की कैसे सबसे, uh, obvious जी देवदास में मेरी मेरा वेलकम हुआ एंड आई थिंक इट वॉज संजय लीला भंजाली जी हुपॉटेड मी इन सारे गामा दिस वॉज अ म्यूजिक हंड शो सो ही स्पॉटेड मी ऑन टी वी एंड ही लाइक द वॉइस फॉर एंड ही केप मी इन हिज माइंड फॉर अबाउट वन एंड हाफ ईयर्स ही वॉज डूइंग हम दिल दे चुके सन एम दैट टाइम एंड he might have uh, already in his mind had the story of uh, and concept of devdas and then he started uh, as he started in, uh, the, in the scripting and uh, the making of the pre-production part of devdas he remembered me and called me and that is how i got in touch with him and it was he he heard me singing from uh, 2 inches and he then approved after Ismail Darbarji also approved, he said, here Shreya, have the first song. <laughs> uh, Shreya, I lot mean, of people will consider you lucky you know, because you got such a good break in such a big film. What do you have See, it's definitely, I am lucky, there's no doubt, but the amount of hard work which has gone through is not visible on, mm -hmm. when it, आप जब आप देखते हैं पर्दे पे गाने सुनते हैं आपको उसकी पीछे की दास्ता पता नहीं होती है और uh, मेरा मेरा स्ट्रगल मैंने नहीं किया होगा क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड विद देवदास आई वाज नॉट इवन सिक्सटीन तो मैंने शायद वैसा स्ट्रगल नहीं किया होगा कि मैं दर दर भटक रही हूँ वैसा नहीं बट मेरे मम्मी डैडी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है बिकॉज आई वॉज इन अ वेरी आइसोलेटेड टाउनशिप ऑफ राजस्थान वेर माई डैड वॉज़ वर्किंग फॉर न्यूक्लियर पावर Plant, he was at the uh, site, he is a chief engineer. So, even thinking of coming into music field is a huge dream for anybody because there is no scope, no from anyone. But it was how I came to Saregama and to Bombay, mein aake, uh, even to have the dream of doing something, and my being so young, I was doing my regional albums and uh, small, small work. And yes, then Devdas was a huge thing for me, definitely. So in that way, I'm lucky. But there was a lot of hard work which has gone before that. When you the first time, what was the first time, the first I was which is my favorite because it's my mm, first song, and definitely, is got a National Award. द सॉन्ग इज़ इट सेल्फ इज़ वेरी स्वीट इफ़ यू सी हर uh, ये गाना बहुत सिंपल नहीं है इस्माइल जी इज़ इमेंसली टैलेंटेड और ये गाना जो उन्होंने बनाया इस दॉन्ग इज़ इक्वल इन टू ट्वेंटी फाइव सॉन्ग्स टू डेज एज यू नो इट इट इज़ रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग बट उसको इतने ईजीली गाने को प्रेजेंट किया गया है एंड द वर्ड्स नुसरत भद्र जी एंड द अरेंजमेंट ईच एंड एवरी सॉन्ग ऑफ द फिल्म हैज़ अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी ह्यूज ग्रैंडियर है उस अरेंजमेंट में म्यूजिक अरेंजमेंट में And everybody did a lot of hard work in the entire process of the making of the music. So but particularly Barry Pia was very special because and the, because this was the song where um, it was my first song where I could prove ki I can sing. <laughs> I mean for the film because this is the first film song I did, Hindi film song. Or uh, is Gana ke vakht uh, Sanjay Jinne Bulayat, Kaha tum studio or Ik. Uh, रिहर्सल कर लो यू गेट एकड विद दी पीपल एंड द एटमोसफियर यू बी कम्फर्टेबल तो इस गाने के लिए मैं स्टूडियो में गई जब तो माइक पे मुझे खड़ा करा कराया गया और उन्होंने कहा कि तुम ट्रैक चला दिया अब गाओ तो मैंने मैंने पूरा रिहर्सल करके रखा था और गाना मैंने इन वन को आंखें बंद करके गा ली पूरा गाना गाया तो उसके बाद जब मैंने देखा कि बहुत हलचल है मॉनिटर रूम में तो मैंने पूछा

कुछ चेंजेस सीन चेंजेस की वजह से हम लोग को एक दो लाइंस फिर से डब करनी पड़ी थी बट टोटलिटी में गाना एक बार में डब हुआ है और इट इज़ दैट वाज द टाइम व्हेन आई फेल्ट लाइक बहुत बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए वो दैट डे व्हेन आई रिकॉर्डेड द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माई फिल्म ऐश्वर्या राय मतलब इतनी बड़ी सुपरस्टार और आप अभी सिंगिंग फॉर द कैरेक्टर पारो प्लेड बाय ऐश्वर्या राय इट इज़ अ ह्यूज कॉम्बिनेशन एंड डेडली कॉम्बिनेशन एंड वेरी आर्टिस्टिक कॉम्बिनेशन पारो का जो रोल है इट हैज़ लॉट ऑफ इनोसेंस एज वेल एज लॉट ऑफ आत्मसम्मान बट इनोसेंस सब कुछ मिला हुआ बहुत स्पेशल और वेरी डे टू लाइफ हर मतलब नॉर्मल पर्सन में जो कैरेक्टर मिलता है वैसा है ये और उसमें इट वाज संजय अंकल संजय जीज डिसीजन टू टेक मी फॉर वॉइस ऑफ पारो बिकॉज ही फाउंड दैट देर वाज अ सिमिलरिटी इन द कैरेक्टर एंड द वॉइस सो ही थॉट ऑफ दैट एंड डेफिनेटली मेड मी सिंग एंड मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आई कुड नाउ विजुअलाइज़ किया इट्स फॉर ऐश्वर्या राय एंड आई कुड विजुअलाइज माई though i was not very trained into how what film singing is all about so the two years of the music uh, making was like an experience and uh, learning process for me i learned a lot of things about how film songs should be kaise gaya jata hai kaise you have to imagine the character and the situation you have to you have to actually act instead of like hum log screen pe nahi voice se humko karna so uh, it went very easy for me to um, uh, sing the sing for the character of बारो। दोला रे के बारे में बात करते हैं मतलब इतना शानदार गाना, इतनी uh, मतलब दो बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस बड़ी जो इसमें यू नो डांस कर रही हैं, तो एक अलग यादगिरी की आवाज़, uh, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ और दूसरी आपकी मतलब she's been around for so long, right? तो ये इस गाने की रिकॉर्डिंग में मतलब आपको नो नो टेंशन दैट वॉज मेरे मेरे लिए कविता जी के साथ गाना वॉज अ थ्रिलिंग एंटिसिपेशन ऑफ वेन शील एंटर एंड वट विल बी आई एल बी सिंग अ लेजेंड्री सिंगर सिंगिंग विथ मी तो uh, उनके इस गाने के रिकॉर्डिंग के वक्त मेरे के लिए भी बहुत uh, क्योंकि दोनों गाना हम उन्होंने साथ में गाया था इनिशियली बाद में हमने फिर से रीडअप किया था गाने को जो अलग अलग किया था बट पहले जब हम ने किया था एक ही स्टूडियो पे दो माइक था और आई वाज डबिंग एंड हाफ ऑफ द टाइम आई केप्ट फॉरगेटिंग माय लाइंस बिकॉज आई वाज मोर इन्ग्रॉज इन सींग हाउ शी इज सिंगिंग बिकॉज मैं बचपन से उनको सुनते आई हूँ और हर एक गाना उनका मेरा आई लाइक बाई हर्ट और uh, जबान पे है मेरे उनके गाने तो इट वॉज़ रियली अ थ्रिलिंग मोमेंट फॉर मी अगेन टू सिंग विथ हर मुश्किल नहीं बट इट वॉज वेरी डिफरेंट क्योंकि इसमें बहुत ग्रैंजर और बहुत हाँ डोला रे डोला जो गाना था वो आ, बहुत बड़े पैमाने पे और इट इट वॉज़ वेरी मच इन न्यूज़ बहुत हाइप्ड सिचुएशन था फिल्म का सीन भी बहुत हाइप था और गाना भी डेफिनेटली बहुत लोग सोच रहे होंगे कि गाना क्या होने वाला है जब माधुरी और ऐश्वर्या साथ में आ रहे हैं प्लस चंद्रमुखी और पारो का साथ में होने वाला है और इट इट्स गोनो बी अ डांस सीक्वेंस और विद दी सक्सेस ऑफ सक्सेस ऑफ दी प्रीवियस फिल्म्स हम दिल दे चुके सनम तो ही संजय जी वाज आल्सो वेरी इंक्लाइंड टू वर्ड्स डूइंग अ गुड डांस नंबर इन दिस विच शुड बी अ कमर्शियल हिट तो डोला रे डोला के लिए गाना इट वॉज मोर ऑफ सेलिब्रेशन एंड मोर ऑफ एक्स्ट्रा वैगनजा वी कैन से द कलरफुल सेट्स एंड द्यूजनेस एंड मैगनीफिशिंग अराउंड तो दॉन्ग वेड लाइक दैट उसका अरेंजमेंट रिदम और म्यूजिक एवरी थिंग वॉज लाइक फॉर द सीन आपके टू mm -hmm. तो इसके बारे, इसके बारे बताइए uh, 2002 के लिए जितने अवार्ड्स थे मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ देम वाज फॉर डोलारे डोला विच आई शेयर्ड विद कविता जी एंड पिया गोर नेशनल अवार्ड एंड या सो प्रैक्टिकली ऑल द अवार्ड्स दिस फिल्म एंड दॉन्ग डोला एंड बेरी पिया सो इट मेक्स मी फील वेरी गुड करना कैसा लगा क्योंकि सालों से गाती आ रही हैं और आपके पहले में आप दोनों को अवार्ड मिला जैसे कि मैंने कहा कि कविता जी को मैं बचपन से सुनते आई हूँ उनकी बहुत इज्जत करती हूँ एज अ सिंगर एंड एज अन बींग शी इज अ वेरी गुड वुमन एंड लेडी एंड शी इज शी ब्लेस्ड मी इनफैक्ट वेन वी वर शेयरिंग द अवार्ड ऑन स्टेज उसके बाद उन्होंने नीचे जाके मुझे कहा श्रेया यू आर डूइंग सो गुड आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई फील दैट शी इज really a uh, very blessed woman and uh, she's very humble that is what i feel uh, very good about her sanjay did you kisanaga uh, kiyawo kabi you know is he very hard to work with or look strict hain. Mere kabhi nahi. he was very supportive of me sanjay ji, hamesha mujhe, um, he used to con consider me as he, he brought me into this so he thought mayasgo कर लूँगा हैंडल बिकॉज ही यूज टू रियली हैव लॉट ऑफ अफेक्शन टवर्ड्स मी एंड एक तो मेरा एडवांटेज था कि मेरा एज बहुत कम था तो आई वॉज लाइक आई कुड हैव एवरी थिंग इन दिस स्टूडियो दो आई वॉज लाइक काफ़ी क्योंकि इतना ह्यूज प्रोजेक्ट है तो हर काम अच्छे से होना ही पड़ेगा गाना तो आफ्टर ऑल गाना हंड्रेड परसेंट होना चाहिए सो उसमें कभी कसर नहीं छोड़ी बट ही ऑलवेज यूज़ टू बी वेरी अफेक्शनट टर्ड्स मी एंड हम लोग वी यूज़ टू शेयर द सेम म्यूज़िकल थाट्स बिकॉज ही ऑल्सो इज़ अ बिग फैन ऑफ लता जी एंड आई एम ऑल्सो अ डाई हार्ट फैन ऑफ लता जी तो हम कभी खाली वक्त कभी भी मिलता था तो संजय जी कहते थे श्रेया तुमको वो गाना याद है वो गाओ वो मीरा भजन वो याद है तुमको वो गाओ सो वी यूज़ टू शेयर दैट काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ आर म्यूज़िकल थाट्स एंड टेस्ट जैसे ऐसे और कोई वाक्य जो आप हमें बता पाएंगे जो हमारे दर्शकों को नहीं पता होंगे कुछ भी मतलब क्रू के हैसियत से अगर आप हमें कुछ बता सकें तो क्रू mm, के साथ तो इतना uh, कोई एक ऐसा कुछ इंसिडेंस नहीं तो एंटायर प्रोसेस वाज अ फन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे uh, जो रिकॉर्डिंग्स होती थी उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हम लोग का दिल्ली दरबार का खाना आता था लंच में सो एवरी टाइम आई हैड अ रिकॉर्डिंग मैं एवरी बडी इन फॉर नॉट जस्ट मी वुड वेट फॉर द लंच टाइम कि एकदम एक, एक uh, शानदार मील टाइम होगा और बहुत अच्छा खाना मिलता था सो वी यूज टू वेट फॉर द लंच टाइम एंड द डिनर टाइम और लेट नाइट रिकॉर्डिंग्स चलती थी तो हम लोग थक जाते थे बट द फूड यूज़ टू मेक अस रियली रीजनेटेड फॉर द नेक्स्ट शॉट तो uh, दिल्ली दरबार का खाना वॉज लाइकस एंडलाइट मेरे लिए देवदास नॉट जस्ट अ वेरी ह्यूज फिल्म उसके साथ उनकी uh, इस फिल्म की जो जो सक्सेस हुई है जिस फिल्म फेस्टिवल्स जितने अवार्ड्स लेके गई हैं जितनी क्रिटिकल एक्लेम्स लेके गई है उसके साथ मेरी हर आ, हमेशा जब भी देवदास का नाम आता है आई कैन फील दैट इट्स माई फिल्म इट्स बिकॉज इट इज़ सो क्लोज़ टू माई हार्ट इसका मेरे साथ ज़िंदगी भर का एक रिश्ता रह गया है लोगों के साथ जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं संजय जी और इस्माइल जी सब सबके साथ जो एक रिश्ता रह गया है ये आई मीन इट इज़ कभी मिटेगा नहीं क्योंकि ये यादें रह गई है मेरे साथ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी पहली जो फिल्म थी आई एम लकी इनफू बी अ पार्ट ऑफ सच अूज फिल्म और इसका सक्सेस आ, मेरे लिए बहुत मायने रखता है